हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के इस वीडियो में हम फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइमरली हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इस चैप्टर के मैंने दो पार्ट, पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया होता। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट होना, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सिग्निफिकेंट राइज हुआ क्रॉप प्रोडक्शन में। अब ये क्रॉप प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट राइज होने का कारण क्या था? हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी, जिसमें हाइब्रिड वैरायटी सीड्स का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल था। तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ? देखिए, इसकी वजह से इंडिया जो था वो सेल्फ रिलायंट बन गया था। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में आया था, 1965 के अराउंड। तो उस टाइम आपको एक प्रॉब्लम पता थी, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में समझाया था किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमें जो वीट था उसे देने से मना कर दिया था। यूएस कह रहा था पाकिस्तान से वॉर स्टॉप करो, वॉर बंद करो, नहीं तो हम आपको वीट का जो सप्लाई कर रहा है वो बंद कर देंगे। तो उस टाइम पे वी वर वेरी मच ईगर कि हाँ, हमारा जो फूड ग्रेन्स को लेके सेल्फ रिलायंस है, हम फूड ग्रेन को लेके इतनी ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाए कि हमें किसी भी और कंट्री से हेल्प की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना पड़े। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने वो काम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली किया। अब अगर हम फेजेस की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस में मिलता है। पहला जो फेज था वो था मिड 60s से मिड 70s, तो 1965 से लेके 1975 तक के अराउंड हमारा पहला फेज आता है। और दूसरा फेज जो आता है वो आता है मिड 70s से लेके मिड 80s तक। तो मिड 60s से मिड 70s तक का जो पहला फेज है, उसमें जो स्टेट्स है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ साथ हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन स्टेट्स में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट था बहुत ज्यादा हुआ। तो यूपी एज अ होल नहीं, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा था। तो उसके बाद अगर क्रॉप्स की बात करें तो वीट और राइस, प्राइमरली ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस जो थे उन क्रॉप्स को प्रमोट किया गया। और इन एरियाज को चूज करने का रीजन क्या था? देखिए, पहली बात तो ये जो एरियाज थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे उनके पास अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन में नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए थे, और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जो हमारे यहाँ के फार्मर्स थे, चाहे पंजाब की बात करें, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु, हरियाणा वगैरह की बात करें, तो यहाँ के जो फार्मर्स थे इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो अवेलेबल थे ही थे, बट ये फार्मर्स जो थे वो रिस्क टेकर थे। वो रिस्क लेने के लिए रेडी थे कि दैट वी आर ओके, वी विल टेक द रिस्क। और रिस्क लेने की वजह से तो बेनिफिट भी, तो अर्ली बेनिफिट भी तो इन्हीं फार्मर्स ने रीप आउट किया। तो ये रीजन थे। और अगर लैंड रिफॉर्म्स की कुछ हद तक बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो इन एरियाज में सक्सेसफुल थे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर हम फेज टू की बात करें तो फेज टू मिड 70s से लेके मिड 80s तक आया, जिसमें मोस्ट ऑफ द एरिया जो था कंट्री का उसको कवर किया गया। अब इसमें ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ क्रॉप पे, इसमें साथ साथ गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया ताकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले। देखिए, आपको इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा कि जो छोटे फार्मर्स थे वो जमींदार, मनी लेंडर्स, देन जिनको हम शाहूकार लोग कह देते हैं, उनके डेट ट्रैप में फंस जाते थे। अब होता क्या था, जो मनी लेंडर होते थे वो फार्मर्स को इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते थे, बट वो इंटरेस्ट रेट जो था बहुत हाई होता था, जिसकी वजह से जो फार्मर थे वो फार्मर क्या करते थे, डेट ट्रैप में फंस जाते थे। और जब ये डेट ट्रैप में फंस जाते थे तो फार्मर को अपनी जमीन जो थी वो देनी पड़ती थी। तो छोटे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक खराब, जिसको कहेंगे खराब, एक बिजनेस था, खराब बिजनेस डील थी, जिसकी वजह से उनको एक तो पैसा भी नहीं वापस मोड़ा जाता था, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि वो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ही जो थे वो पे करते रहते थे। और उसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट्स पे प्रोवाइड करने को दिए गए। फेज टू में ये चीजें कवर की गई। उसके बाद अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ गेन्स की बात करें तो गेन क्या था, सबसे पहला जो मेजर गेन था जिसके लिए एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, वो था स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी।
जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसमें काफी स्पोर्ट आया। इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 20 का डाटा है। अगर हम वीट की बात करें 1947 में तो इट वॉज 660 केजी पर हेक्टेयर। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट। और ये जो प्रोडक्टिविटी थी वो 2019-20 में आते आते 3421 केजी पर हेक्टेयर होगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो पांच गुना के करीब जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी इंक्रीज होगी। और अगर राइस की बात करें तो राइस के केस में 4 गुना तक हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। और अगर हम करें टोटल प्रोडक्शन की बात तो प्रोडक्शन के केस में आप देख लो 64 केजी से सीधे 64 लाख टन से 1076 लाख टन तक हमारा प्रोडक्शन पहुंच गया। तो प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में काफी हद तक इंक्रीमेंट हुआ, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा गेन था। उसके बाद सब्सटेंशियल राइज इन एक्रीज। एक्रीज का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब देखिए होता क्या है, कई जमीन ऐसी होती है जहां पे कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, जिनको हम कह देते हैं बैरन लैंड, बंजर जमीन। तो उन बंजर जमीन जो बैरन लैंड थी उनको क्या किया गया? आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके प्रोडक्टिविटी के लिए पॉसिबल बनाया गया। और इन्होंने एलिमिनेट कर दिया नीड फॉर फैलोइंग। अब फैलोइंग का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी एग्रीकल्चरल लैंड का यूज होगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी क्या होगी? लूज होगी। आप किसी भी चीज का यूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होती है? कम होती है। तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ता है? खाली छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो एक सीजन क्रॉप का कर लिया, दो सीजन मान लो क्रॉप के कर दिया, और एक सीजन के लिए क्या छोड़ दिया? फ्री छोड़ दिया, ताकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। बट केमिकल फर्टिलाइजर्स ने इस चीज को एलिमिनेट कर दिया। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने क्या किया कि आप यूज करो इनको, फर्टिलाइजर्स को जितना भी रिक्वायर्ड है, और उससे आप जिसको कहे ना रेडी हो, एग्रीकल्चरल लैंड आपकी ऑलवेज तैयार रहेगी। एक सीजन में मान लो आपने वीट कल्टीवेट की, वीट हार्वेस्ट करने के बाद ही आप पैडी का कल्टीवेशन भी कर सकते हो। तो ये चीज जो थी वो सब्सटेंशियल राइज इन एक्रीज हुआ। और जो फार्मर थे, फार्मर ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग शिफ्ट किया। ओके, तो ये जो रीजन था ना एक्रीज के इंक्रीज होने का, कल्टीवेशन जो एरिया था इंक्रीज हो गया, तो फार्मर को एक हौसला मिल गया। फार्मर कहता कि अब हम क्यों सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें? अब हम सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग क्यों करें? अब हम कमर्शियल करेंगे, अब मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है? वो है टोटल आउटपुट माइनस कंज्यूम फॉर सेल्फ। अब मान लो किसी फार्मर ने 1000 केजी प्रोड्यूस किया, 1000 केजी में से 200 केजी उसने अपने लिए रख लिया, तो उसके पास कितना बचा? 800 केजी। अब 800 केजी में वो क्या करेगा? वो मार्केट में जाके बेच देगा, वो मार्केटेबल सरप्लस है, उससे वो क्या कर सकता है? पैसा कमा सकता है। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर एक्रीज में राइज होगा तो फार्मर खुद कहेगा कि अब ये एक साल में 2 क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। देन फार्मर का जो आउटलुक था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था, अब ये सलमान खान की तरह कमर्शियल फार्मिंग। याद है ना सलमान खान भी लॉकडाउन के टाइम पे फार्मिंग करने लग गया था, तो उसी की तरह कमर्शियल फार्मिंग जो थी वो फार्मर्स का जो आउटलुक था वो चेंज हो गया। मतलब ये जो एरो है इस तरह से यहां तक पहुंच गया। देन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड बफर स्टॉक। अब देखिए जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा। आप एक चीज सोचो, किसी चीज की क्वांटिटी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस ही बात है उसका प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर ऐसे नहीं समय लगता तो बिन बुलाए अपने रिश्तेदार के घर रोज जाना शुरू कर दो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका वैल्यू क्या होगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही चीज है, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्राइस में भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? बफर स्टॉक मेंटेन करेगी एमरजेंसी नीड्स के लिए। अब जैसे अब COVID-19 की एमरजेंसी आई थी, इतनी ज्यादा मेजर एमरजेंसी थी इस टाइम पे, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे हमारे देश के, उनके लिए जो फूड ग्रेन से वो प्रोवाइड करने, एमरजेंसी में प्रोवाइड करने जरूरी थे, ये बफर स्टॉक बना हुआ था। इस बफर स्टॉक की वजह से क्या हुआ कि इतना ज्यादा जो फूड ग्रेन है उनको प्रोवाइड कर सके हम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया। देन अगर बात करें कि बफर स्टॉक है क्या, बफर स्टॉक का मतलब है कि आपने ये कभी भी नोटिस किया होगा आपने, अगर रेलवे स्टेशन के आसपास आप गए होगे तो ट्रक्स में लोडेड होती है ये बोरियां, इसमें वीट, राइस, मेज, आपको हर तरह की जो क्रॉप्स हैं वो मिल जाएंगी।
इफ यू हैव एवर विजिटेड एनी रेलवे स्टेशन, अगर आपने कोई फ्रेट ट्रेन वगैरह देखी है तो उसमें आपने इस चीज को देखा होगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि बफर स्टॉक का जो कंसेप्ट है वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मेंटेन करती है, बिकॉज अगर कभी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो, इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करना हो, तो इस बफर स्टॉक का यूज किया जा सकता है। और ये जो रिलीज किए जाते हैं वो किए जाते हैं पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की शॉप्स होती है उनके थ्रू इन जो फूड ग्रेन्स होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर का क्या नाम है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस डे बाय डे पूछ रहा हूँ, बट मेरे को उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आंसर्स का। सो आई होप आप इस चीज को गौर कीजिए, आपके काम आएगा ये सारी चीजें। आगे अगर हम बात करें, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स हुए तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी, और वो लिमिटेशंस जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लिमिटेशंस क्या थी, ये मेनली कन्फाइंड था वीट और राइस को। जो फार्मर्स थे उन्होंने वीट और राइस की ही इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दी। और देखिए, प्रोडक्शन करने का सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन बिना, गवर्नमेंट ने भी वीट और राइस पे ही ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया था, बिकॉज उस टाइम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी फूड ग्रेन्स की। तो जो चीज एक बार स्टार्ट हो गई थी वही चीज कंटिन्यूशन में चल रही थी, और जो हमारे पल्सेस और कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। पल्सेस के बारे में अगर आपको एक चीज बताऊं, इंडिया जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पल्सेस जो है प्रोड्यूस होती है, बट इंडिया को सबसे ज्यादा पल्सेस इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है, बिकॉज इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है। उसके बाद अनइवन स्प्रेड पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी महाराष्ट्र तमिलनाडु इनको बेनिफिट मिला, बट ईस्टर्न यूपी बिहार एमपी उड़ीसा इनको बहुत कम बेनिफिट मिला। मतलब इसका जो स्प्रेड था वो कुछ एरियाज में स्प्रेड था। ओके, बेनिफिट इन स्टेट्स के फार्मर लेंगे, और अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो इन स्टेट्स के फार्मर अच्छे हैं एज कम्पेयर टू दी स्टेट्स फार्मर्स। उसके बाद अगली लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अगर हम 2015-16 के जो एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें जो आज से 5 साल पहले आया था, तो उस सेंसस के अकॉर्डिंगली और ऑलमोस्ट 86% के अराउंड हमारा जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। और आपको पता है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास इतना ज्यादा पैसा अवेलेबल नहीं होता कि वो हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है उसको क्या कर सके, उसको खरीद सके। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मिंग पॉपुलेशन ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडल्ज थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज इतनी ज्यादा फंडिंग अवेलेबल नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी को ले सके। और उसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड बन गया, इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव वर्सेस हैव नॉट्स। जिनके पास हर चीज अवेलेबल है वो हैव कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो हैव नॉट्स कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक इकोनॉमिक डिवाइड बन गया रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच। तो रिच फार्मर्स वर गेटिंग मोर रिचर और पुअर फार्मर्स वर गेटिंग मोर पुअरर डे बाय डे। सारे जो थे वो लिमिटेशंस थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी वर्च्यू और वाइस। क्या एग्रीकल्चरल सब्सिडी के नुकसान है या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के फायदे भी हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके वाइस, इसके नुकसान। तो सबसे पहला नुकसान इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। देखिए, सब्सिडी का मतलब क्या है, सब्सिडी का मतलब होता है कि एक तरह की गवर्नमेंट असिस्टेंस। सब्सिडीज का मतलब होता है एक तरह की गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट की कौन सी असिस्टेंस, वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इस फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो मार्केट में हमें कोई चीज है, मान लो सपोज वो चीज 50 रुपए की थी और गवर्नमेंट कहती है सेलर को कि आप ऐसे करो कि इसको 40 रुपए में बेच दो मार्केट में, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ता मिले। अब दुकानदार ऑब्वियसली बात है एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 50 रुपए मिले। गवर्नमेंट कहती है कि 50 रुपए में जो 10 रुपए रहते हैं, 40 अगर आपको मार्केट से मिल रहा है तो 10 रुपए की फंडिंग हम आपको कर देंगे, तो वो क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। और सब्सिडी क्या करती है, बहुत ज्यादा बर्डन लेके आती है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स। एक्चुअल में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको बेनिफिट नहीं मिलता। जो जिन एरियाज में डेवलपमेंट हो चुकी है एग्रीकल्चर की, उन एरियाज के फार्मर्स जो बेनिफिट ले जाते हैं, बट एक्चुअल में जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो टारगेटेड फार्मर्स होने चाहिए, वो उन फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। उसके बाद वेस्टफुल कंजम्पशन। कहते हैं कोई चीज अगर हमें फ्री में मिल जाए तो उसका वेस्टफुल कंजम्पशन होना लाजमी है। अगर हम देखें कि अगर जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स अगर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल रहे हैं तो उसका वेस्टेज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो पानी का वेस्टेज होने के चांसेस हो सकते हैं।
तो वेस्टफुल कंजम्पशन जो है वो है, इसको स्टॉप करने के रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि हाँ सब्सिडीज वगैरह जो है बंद कर दीजिए, बिकॉज फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के रिक्वायरमेंट है, बट इन चीजों पर ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वर्च्यू की बात करें कि क्यों एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पुअर फार्मर्स को हेल्प करती है ताकि वो अपने जो रिक्वायर्ड इनपुट्स है उनको परचेज करें। आपको पता है जो हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी के इनपुट्स हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर सरकार उनको हेल्प कर रही है, तो सरकार की हेल्प से हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी जो है वो छोटे फार्मर्स भी परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गैप बना हुआ है रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच में, उन गैप्स को भी कम करने की रिक्वायरमेंट है, हैव्स और हैव नॉट वाली कैटेगरी को भी खत्म करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज है वो काम की है। आई होप आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गया। देयर इज अ नीड, देखिए गवर्नमेंट ने भी कहा था कि 2020 तक 22 तक फार्मर्स का इनकम जो है वो डबल होना चाहिए, बिकॉज अगर देखिए फार्मर का इनकम डबल होगा, फार्मर की लाइफ अच्छी होगी। हम 45% कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग, इन 45% लोगों की अगर लाइफ अच्छी है, अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये हेल्प करेंगे हमारी और इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। जितना ज्यादा बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे जैसे मर्जी इसका डेवलपमेंट करना, गवर्नमेंट के लिए इसका डेवलपमेंट करना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।